आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी दाल बड़े की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, मसाला दाल बड़ा। और यहाँ पर देखिए ये हरे मूंग जो है, अच्छे हरे मूंग के वड़े जो होते हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो ये जैसे हमको बाहर मिलते हैं सेम वैसे ही मैं बना रही हूँ। ये देखिए मैंने 200 ग्राम इसको भिगो के रख दिया था, मतलब ओवरनाइट आपने इसको भिगो देना है, वरना आपने इसको कम से कम 6 घंटा आपने भिगो के रखना है। फिर इसको अपने अच्छे से धोना है और उसको छन्नी में इस तरीके से छान लेना है। अब आप इसको एक चॉपर में डाल दो, या तो फिर अगर आप मिक्सर में पीस रहे हो तो आपने इसको दरदरा सा पीसना है। सेम दोनों का सेम ही प्रोसेस है और दोनों में सेम मसाले ही जाते हैं। तो ये देखिए चना दाल को भी सेम मैंने भिगो दिया था, 200 ग्राम मैंने चना दाल ली थी और उसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया। उसके बाद में मैंने इसको छान लिया, तो इसका पानी हमने पूरा ड्राई करना है, बिगैर पानी के आपने इसको बनाना है, वरना अगर आप इसमें पानी ऐड करोगे तो क्रिस्पी जो बनते हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो सॉल्ट एज पर योर टेस्ट इसमें डाल देंगे हम। अब इसमें हरा धनिया, पुदीना, मिर्चे, हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च ले सकते हो। अच्छा, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में बन जाएगा, तो 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है जीरा, भुना हुआ जीरा है, चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स और सेम 2 टीस्पून अखा धन जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास में ये है फ्रेश जिंजर और फ्रेश गार्लिक है तो आप वो भी डालकर इसको ग्राइंड कर सकते हो, उससे जो टेस्ट है और बढ़कर आएगा, जो कि फ्रेश होता है तो उससे टेस्ट और अच्छा आएगा। अभी तभी इसमें प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने इसके अंदर एक मीडियम साइज का प्याज जो था वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये मूंग का दाल का जो वड़ा है ये देखिए उसका जो मिक्सचर है इस तरीके से दिखना चाहिए। पर लिया हुआ है, इसके अंदर मैं चना दाल डालूंगी, सेम मसाले डालना है हमने और फ्राई भी सेम तरीके से ही करना है। लेकिन जब तेल आप इसको बनाने लगो तो तेल आपने गरम करने के लिए रख देना है, तेल एकदम हॉट होना चाहिए। इसके अंदर ये जो बचा हुआ प्याज है एक, वो हम इसमें डाल देंगे। सेम है थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च डाल सकते हो, जीरा, चिली फ्लेक्स और ये धनिया, अखा धनिया है, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। और अदरक लहसुन अगर फ्रेश है तो फ्रेश ले लो, मेरे पास में यहाँ पर पिसा हुआ है तो मैं पिसा हुआ ले रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अब इसको मैं ग्राइंड करके लेकर आती हूँ और मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ये कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, ये देखिए एकदम धरधरा सा आपको ये दिखना चाहिए। अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। है एकदम गर्म होना चाहिए कि तेल में से आपको धुआं निकलते हुए दिखना होना चाहिए। अब इसके अंदर हम ये जो दाल बड़े हैं वो हम इसमें डाल देंगे और अभी इसको टच नहीं करेंगे हम। ये जब गोल्डन ब्राउन दिखने लगेगा तब हम इसको हाथ लगाएंगे। ये देखिए इसमें कोई बेसन नहीं, कोई मैदा नहीं, कोई कॉर्नफ्लोर नहीं, बट फिर भी देखिए ये कैसे बाहर निकलेगा। अब इसको पकने देंगे, फिर मैं आपको निकालते टाइम दिखाऊंगी। बट गैस का फ्लेम स्लो नहीं करना बिल्कुल भी और तेल एकदम गर्म होना चाहिए, तब जाके आपकी ये परफेक्ट ये जो दाल बड़े हैं वो बनेंगे। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तभी मैं इसे निकाल लूंगी। ये देखिए बिल्कुल भी टूटे नहीं है ये। तेल गरम रखिएगा और फिर इसको डालना। ये देखिए अब मैं आपको ये मूंग दाल के वड़े बनाकर दिखाती हूँ। थोड़ा सा ऑयल को हम गरम करने के लिए और थोड़ा टाइम देंगे, फिर उसके बाद में मैं आपको वड़े तल के बताती हूँ। अच्छे से गर्म हो गया तो अब देखिए इसके अंदर मैं ये वड़े डाल रही हूँ, मूंग दाल के वड़े। देखिए इस तरीके से लक्ष्मण डाल दूंगी।
एकदम गर्म होना चाहिए और आपका जो बैटर है वो पानी, मतलब पानी उसमें बिल्कुल भी ना रहे, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको मैं टर्न कर दूंगी, ये देखिए बिल्कुल भी ये नहीं टूटा है। अभी इसको आपने हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना था, जब आप डालोगे ना तब बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। जब ये इस तरीके से थोड़ा सा हार्ड होने लग जाए तब आपने इसको हाथ लगाना है, मतलब कि इसको आपने चम्मच चला लेना है इसके अंदर। बस इसको मैं पलट लूँगी। बट ध्यान रखिएगा कि जो भी आप बैटर बनाओ, जो भी आपका वड़े का बैटर हो, वो एकदम ड्राई हो। अगर आप उसमें पानी डालते हो या पानी रह जाता है फिर ऐसा नहीं रिजल्ट आएगा, तो फिर आपने उसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा बेसन। लेकिन फिर ये रिजल्ट नहीं आएगा, ध्यान में रखिएगा। मैं इतना क्लेरिफिकेशन इसीलिए कर दे रही हूँ, वरना दे रही हूँ कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर में सामान बहुत वैसे भी कम रहता है, तो ख़राब नहीं हो, इसीलिए मैं बता रही हूँ। प्रॉपर तरीके से अगर बनाओगे तब ही ट्राई करना। ये अच्छे से फ्राई हो गया मूंग दाल का वड़ा। अब इसको हम निकालेंगे और इसको भी हम सर्व करके मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए,